नमस्कार, मैं करीना चौहान टेकने न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने संत रविदास को आध्यात्मिकता का प्रतीक बताया है और कहा है कि संत रविदास ने जाति और भेदभाव आधारित सामाजिक व्यवस्था के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया है और भक्ति के माध्यम से समाज में सामंजस्य लाने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से संत रविदास की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया है। संत रविदास की जयंती माघ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। सरकार ने विकसित भारत की संकल्पना के अंतर्गत अनाज भंडारण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। देश में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अन्न भंडारण की इस परियोजना का उद्घाटन किया है। परियोजना के संचालन में 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी को 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें बुनकरों के लिए रेशम कपड़ा प्रिंटिंग सामान्य सुविधा केंद्र और पर्यटन तथा आध्यात्मिक पर्यटन से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में अमूल डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया और वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी है। भारत सरकार ने बिजली उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन में बिजली के नए कनेक्शन प्राप्त करने और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही बहुमंजिला फ्लैट में रहने वाले उपभोक्ताओं को अलग अलग प्रकार का कनेक्शन चुनने की सुविधा भी दी जाएगी। आवासीय सोसाइटियों में कॉमन एरिया और बैकअप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग की सुविधा देने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन लेने की सुविधा भी दी जाएगी। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विधान परिषद की ये सीटें 5 मई को खाली हो जाएंगी। उससे पहले इन 13 सीटों के लिए 21 मार्च को मतदान कराए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से 14 मार्च के बीच जारी रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 सदस्यों के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। दिल्ली में लोकसभा की सभी 7 सीटों में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा और गुजरात में भी सभी शेयरिंग फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी। अब गोवा का बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस, हिमाचल प्रदेश का मसरूरू टेम्पल और जम्मू कश्मीर के निषाद बाग जैसी देश भर की 17 ऐतिहासिक इमारतें दिल्ली में भी देखने को मिलेंगी। दिल्ली नगर निगम ने पंजाबी बाग इलाके में इन इमारतों को भारत दर्शन पार्क में संजोया है। पार्क का फेज नंबर 2 बनकर तैयार हो गया है। पार्क को अगले महीने मार्च में सभी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के दूसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए फीस को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार छात्र 26 फरवरी से ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। वहीं 11 मार्च के बाद फीस जमा करने पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने जापानी और फ्रेंच कोर्स में पंजीकृत सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया है। महिला प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला काफी रोमांचक रहा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेम में 4 विकेट से हराकर मैच जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 172 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा कर रही मुंबई टीम को मैच की आखिरी गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। मुंबई टीम की याचिका ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 6 लगाकर मैच जीत लिया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर ही आउट हुई। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी ब्रीड ट्रुथ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सीरीज को लेकर नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया है। सीरीज शीना बोरा हत्याकांड की सच्ची घटना पर फिल्माई गई है, जबकि सीबीआई अभी घटना की जांच कर रही है। ऐसे में सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराते हुए सीरीज को पहले एजेंसी को दिखाने की मांग की है। साथ ही शीना बोरा मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आने से पहले डॉक्यूमेंट्री को रिलीज न करने की भी मांग की है। सीरीज 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्ने न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।